नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, पहले तो हम एक वर्गाकार बगीचा बनाते हैं। तो यह एक हमारा वर्गाकार बगीचा है, ठीक है। इसकी भुजा दी गई है 15 मीटर, तो यहां से ये कितनी है 15 मीटर, ठीक है। तो हमने एक बगीचा बना लिया और उसकी भुजा बना ली 15 मीटर। अब प्रश्न ने कहा है कि बगीचे के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया गया है। तो इस बगीचे के बाहर की ओर, तो हम चारों तरफ एक बाहर की ओर एक रास्ता बना लेंगे और इस बगीचे के रास्ते की जो चौड़ाई है वह कितनी है 2 मीटर, ठीक है। तो जैसा प्रश्न ने कहा था कि 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे, तो हमने एक वर्गाकार बगीचा बना लिया के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया जाता है। तो हमने 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार कर लिया है। अब वह पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो इस चित्र में आपको अब दो वर्ग दिखाई दे रहे होंगे, एक अंदर वाला वर्ग एक बाहर वाला वर्ग। तो अंदर वाले वर्ग की भुजा तो है 15 मीटर, अब बाहर वाला जो वर्ग है यहाँ 2 मीटर और यहाँ 2 मीटर, यानी 15 में 2 जुड़ जाएंगे, यानी टोटल 19 मीटर हो जाएगी बाहर वाले वर्ग की भुजा। तो हम निकालेंगे बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये सूत्र तो वही लगेगा, भुजा का स्क्वायर, और बाहर वाली जो भुजा है वह है 19, तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा और 19 का स्क्वायर होता है 361 और यहाँ आ जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। तो जो बाहर वाला वर्ग हमें दिखाई दे रहा है उसका जो क्षेत्रफल निकल के आया वह आया 361 वर्ग मीटर। अब जो अंदर वाला वर्ग है या बगीचा जिसको हमने बोला था, अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यहां भी भुजा का स्क्वायर ही सूत्र लगेगा और इसकी भुजा है 15 मीटर, तो 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 वर्ग मीटर, ठीक है। अब यह दोनों क्षेत्रफल हमें क्यों निकालने पड़े, क्योंकि हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम बाहर वाले वर्ग और अंदर वाले वर्ग दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं और बाहर वाले वर्ग में से अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तो जो बीच का बचा हुआ रास्ता है उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाता है। तो हम यहां लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, बराबर बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बाहर वाले वर्ग से अंदर वाले वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। अब बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल आया था 361 और अंदर वाले का आया था 225, इसको हम माइनस कर देंगे। 11 में से 5 जाएगी 6, 5 में से 2 जाएगी 3 और यहाँ 3 में से 2 जाएगी 136 वर्ग मीटर, यानी जो रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है उसका क्षेत्रफल निकल के आया 136 वर्ग मीटर, ठीक है। तो आपने देखा कि रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला। तो रास्ते के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले जो दो आकृति दिख रही है, एक बड़ा वाला वर्ग एक छोटा वाला वर्ग, तो बाहर वाले वर्ग का हमने क्षेत्रफल निकाला, फिर अंदर वाले वर्ग यानी जो बगीचा था उसका क्षेत्रफल निकाला, इस बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया, तो जो रास्ता चारों तरफ 2 मीटर का बना हुआ है उसका क्षेत्रफल निकल के आ गया,
ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।